आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं हमारे हॉस्पिटल के कुछ पेशेंट्स की स्टडी आपको बताने वाला हूँ। एक 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 करके अलग 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 बीमारियाँ हैं, उसका अलग अलग वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण का इलाज रिसा रोग के साथ में या रिसा रोग के अलावा करते रहते हैं। हम ऑनलाइन काउंसलिंग भी करते हैं, जहाँ लोग नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करके हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाता है या वीडियो कॉल हो जाता है, व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं और अपने अपने साइकोथेरेपी या सम्मोहन उपचार या उसके बारे में जानकारी लेके अपना इलाज कर लेते हैं। तो आइए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनको देखिए, कल इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया था और बेहोशी में किया था, मतलब बातचीत नहीं करना दो दिन से, यूरिन का ख्याल नहीं, टॉयलेट का लेटरिन का कोई ख्याल नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, और उनको ऐसा उठा के लेके भर्ती कर दिया था। कारण समझ में नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। और पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में, तो हमको पहले ऐसा लगा कि भाई कुछ ब्रेन की बीमारी है क्या, कोई तो प्रॉब्लम ब्रेन में है क्या, ये जो अनकॉन्शियसनेस है या सेमी कॉन्शियस है, मतलब आधा अधूरा जैसा बेहोशी है, तो उसमें कारण क्या है वो देखना। हमने पूरे इन्वेस्टिगेट किए और फिर धीरे 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 जैसा कल से अभी होश आना चालू हो गया। हमारा सस्पिशन ये है कि उन्होंने कोई गोलियां खा ली नींद की और उसमें ऐसी बेहोशी आ गई थी, या ये बीमारी है इसको कैटेटोनिया बोलते हैं और कैटेटोनिया से उनको ऐसा हो सकता है। गोलियां की हिस्ट्री कोई नहीं मिल रही कि कोई गोलियां की, उनको कोई गोलियां चालू नहीं थी तो कोई कैटेटोनिया की हिस्ट्री भी है नहीं। पता है कैसा लग रहा है अभी आपको सर? क्या हो रहा है सर? सर सर क्या होता है सर? सर क्या तो किए थे सर ना? तुम यहाँ भी सांगा। हाँ क्या मंडल तिकड़े था? हाँ छाती दुखती हूँ ज्यादा। हाँ पहले क्या था? पहले बेहोश पड़ी होती। हाँ बेहोश थी, बोलो तो सारा दिन से कैसे, हाँ उठना नहीं, चलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, कैसे नहीं। अभी ठीक है? अभी ठीक है। कब से? रात पर से समझा, अभी सुबह से ठीक हो गया। सुबह से भी ठीक होना चालू हो गया, अभी ठीक है, गुड। तो ये हमको देखना पड़ता है कि भाई ये जो बीमारी है ये डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, डिप्रेसिव स्टूपर करके होता है कि उसकी वजह से भी हो जाता है, या इनको कोई ऐसा घर में झगड़ा हो गया। हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कोई घर में झगड़ा है उसकी वजह से ऐसा हो गया, कोई घर में कोई डेथ हो गई किसकी उसके बारे में ऐसा हो सकता है, कोई कारण नहीं मिल रहा है। तो हमारा अभी प्रोविजनल डायग्नोसिस रहा कि भाई कैटेटोनिया है, कि जिसकी वजह से वो ऐसी 4 दिन से पड़ी हुई थी, अभी उनको दवाई वगैरह दिया तो उससे अच्छी हो गई। आपको अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो। थैंक यू वेरी मच। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा विजन है, उसमें हम काम करते रहते हैं। आपका भी सपोर्ट इसमें हमें चाहिए। और आप सपोर्ट कैसा दे सकते हैं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैला दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी इसमें होने दो, ताकि लोग अपने अपने जगह पे अपना इलाज कर सके और एक पावरफुल इंडिया, पावरफुल भारत देश हमारा हम तैयार कर सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।